हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज मैं ये रेसिपी लाई हूँ आलू की चिप्स बनाने की। तो देखिए, ये घर पर बहुत ही आसान तरीके से आलू की चिप्स बनती है। इस वीडियो में सारा प्रोसेस है। तो सबसे पहले मैंने आलू लिया है और आलू को अच्छे से धो करके फिर कद्दूकस की सहायता उसको काट कर फिर से धो लिए, ताकि उसका जो भी हल्का गंदापन है वो निकल जाए। फिर एक बर्तन में मैंने गर्म पानी किए और उसको बॉईल करना है। तो गर्म पानी में ही थोड़ा सोडा डाल देना है, ताकि वो जब चिप्स हम लोग छाने तो वो थोड़ा फूल जाए। और उसी में नमक डाल दिए हैं। तो देखिए, ये बॉईल हो गया, तब मैं इसे उसको छान दे रही हूँ। और इसको फिर जब इसका पानी सूख जाए तब छत पर धूप में फैला देना है। अभी गर्मी का दिन है तो एक दिन में ही सूख जाता है, और अगर नहीं सूखे तो दो दिन आप सुखा सकते हैं। और चूंकि ये बच्चों को बहुत पसंद आता है और बहुत ही आसानी से बन जाता है, और आप लोग भी कभी ट्राई कीजिए। और चिप्स कैसा बना ये मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। देखिए, इसको मैं धूप में फैला दे रही हूँ। एक एक पे एक नहीं करना है, फैलाना है, ताकि वो जल्दी सूख सके। अच्छे से मैं इसे धूप में फैला दे रही हूँ। और मेरी बेटी है जो खुशी है, उसको भी बहुत पसंद है मेरे साथ कुछ भी काम करना। तो इतना कड़ी धूप में वो भी मेरे साथ चिप्स सुखा रही थी। मैंने उसको मना किया, फिर भी वो नहीं मानी, तो वो भी फैला रही है। अब मैं इसे दिखाऊंगी तेल में छान के। तो देखिए, सूख गया है। एक तीन या दो दिन में सूख जाता है, तो ये सूख गया है। अब मैं इसे तेल में फ्राई करके दिखा रही हूँ। तो ये खाने में भी काफ़ी अच्छा लगता है, और गर्मी के दिनों में तो ये बहुत ही अच्छा रेसिपी है। आप लोग भी ट्राई कीजिए। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए। बाय।